सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल अफरोजा एसके को और बेल बटन पे क्लिक कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू हैशटैग बन जाऊँ दुल्हन मैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है मेरी चैनल पे चल रहा है ब्राइडल सीरीज़, तो इस सीरीज़ का ये सिक्स्थ लुक है जो मैंने क्रिएट किया है एंड ये है क्रिस्टन ब्राइडल मेकअप लुक। आई होप आपको ये लुक पसंद आ रहा होगा। अगर ये लुक आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और आप चाहो तो मुझे मेरी सोशल मीडियाज़ के साइट्स पे भी फॉलो कर सकते हो, सारे प्रोफाइल की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पे मेंशन होगा एंड प्रोडक्ट की सारे डिटेल्स भी मेरे डिस्क्रिप्शन पे मेंशन होगा, चेक कर लेना। तो अगर आप जानना चाहते हो कि ये लुक मैंने कैसे अचीव किया है तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बायोटिक का क्यूकम्बर टोनर लिया है। ये बहुत ही अच्छा वाला टोनर है, कॉटन पैड के हेल्प से मैं अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ एज़ यू कैन सी। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ऑरेंज जेल लिया है, ये मेरा करंट फेवरेट हो गया है, एज अ मॉइस्चराइज़र भी बहुत अच्छा काम करता है तो मुझे ये बहुत ही पसंद है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ये गुड वाइब्स का क्यूकम्बर एंड लेमन जो अंडर आई सीरम है उसे अप्लाई करूँगी। सो मैं आई मेकअप स्टार्ट करूँगी तो मैंने थोड़ा सा जूम आउट कर लिया है और मैंने यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो किट यूज़ किया है जो मैं दिखाना भूल गई, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो उसके बाद स्पूली की हेल्प से कॉम कर रही हूँ अपनी आईब्रोज़ को एंड नेक्स्ट मैं ये एलेगल का प्रो कंसीलर यूज़ करूँगी और ये जो शेड है ये मेरे शेड से बहुत ज़्यादा लाइटर है, ये नेचुरल है तो इसे एज अ मैं आई शेडो प्राइमर यूज़ करूँगी और आईब्रोज़ के एज को भी क्लीन करूँगी। एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से मैं अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूँगी एज़ यू कैन सी, इससे काफ़ी अच्छा लुक आता है मैं हर बार बोलती हूँ। नेक्स्ट मैं अपने आईलिड को सेट करने के लिए ये फेसेस कनाडा का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ये पैलेट लिया है, इसमें से ये थोड़ा सा रेड एंड ब्राउन अंडरटोन का कलर लेके मैं अपनी क्रीज लाइन पे प्लेस कर रही हूँ एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से एंड ब्लेंड कर रही हूँ साथ ही साथ। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ये ब्राउन कलर शेड लेके क्रीज लाइन के ऊपर ऊपर मैंने अप्लाई किया है एंड अच्छे से ब्लेंड किया है। उसके बाद मैंने सेम पैलेट में से ये डार्क ब्राउन शेड लेके मैंने अपने आउटर वी पे फोकस करते हुए ऐसे अप्लाई किया है सर्कुलर मोशन में एज़ यू कैन सी एंड थोड़ा सा क्रीज लाइन तक भी मैं जा रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे कट क्रीज ड्रॉ करनी है तो मैं यहाँ पे कट क्रीज ड्रॉ कर रही हूँ सेम कंसीलर के हेल्प से, एक फ्लैट ब्रश के हेल्प से। तो यहाँ पे मेरी अम्मा ने फ्रूट दे के गया है तो मैं वही खा रही थी। ओके, तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपने आउटर वी पे कुछ इस तरीके से मैं स्मच कर रही हूँ सेम डार्क ब्राउन शेड को लेके एक स्मॉल ब्रश के हेल्प से। उसके बाद मैंने ये ब्यूटी बेरी का आई शेडो पैलेट लिया है, इसमें सारे आई शेडोज मूज है, उसमें से एक मैं वाइट कलर शेड लेके अपने आई लिड पर अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्यूटी ग्लेस का पैलेट यूज़ किया है, उसमें से ये ग्लिटर लेके मैं जहाँ पे वाइट कलर अप्लाई किया है उसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ ग्लिटर, इससे काफ़ी अच्छा लुक आ रहा था। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर पर्पल का ये जेल लाइनर यूज़ किया है, ये भी काफ़ी अच्छा क्रीमी जेल लाइनर है, बहुत ही अफोर्डेबल में। आप लोग अच्छा जेल लाइनर अगर चाहते हो तो डेफिनेटली इसको परचेस कर सकते हो। एक विंग लाइनर की तरह मैं ड्रॉ करने वाली हूँ यहाँ पे एज़ यू कैन सी। तो या उसके बाद मैंने यहाँ पे फेसेस कनाडा का ये क्या कहते हैं, हाँ, प्राइमर यूज़ किया है
अपने ऑल ओवर फेस पे टी जोन पे फोकस करते हुए। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे सेम कंसीलर यूज़ किया है, मतलब जहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत डार्क स्पॉट्स है उसको हाइड करने के लिए। यू नो इससे क्या होता है, कलर करेक्टर अगर आप यूज़ करते हो वो भी अच्छा है, लेकिन ये वाला कलर करेक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, आपके फेस को ज़्यादा मतलब अच्छे से कवर अप कर देता है। तो मैं डी एम ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेकअप रेवोल्यूशन का ये फाउंडेशन स्टिक यूज़ किया है एंड साथ ही साथ ब्लेंड किया है एक डी एम ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे पर्पल का ये कंसीलर लिया है, ये मेरे स्किन टोन के बिल्कुल मैचिंग है, हाईलाइटिंग कंसीलर नहीं है, तो मैंने इसको ही यूज़ किया है अपने अंडर आई, जॉ लाइन, अपने चिन पर, क्यूपिड्स बो एंड नोज़ फोरहेड पे अप्लाई किया है एंड सेम ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। एंड मैंने यहाँ पे कॉन्टोर यूज़ किया है, मैं हर बार प्रोडक्ट दिखाना क्यों भूल जा रही हूँ, आई डोंट नो। तो ये सेम एलेगल का ही कॉन्टोर है और शेड जो है वो है टोस्ट। तो इसे भी अपने चिक बोन पे, नोज़ एंड अपने जॉ लाइन पे अप्लाई करके मैं ब्लेंड कर रही हूँ, एज यू कैन सी। तो उसके बाद मैं अपने नोज़ को अच्छे से करूँगी। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ये लूज़ पाउडर लिया है, ये है ब्लू हेवन का लूज़ पाउडर, काफ़ी अच्छा वाला लूज़ पाउडर है। तो इससे अपने मैं थोड़ा सा बेकिंग करूँगी अपने अंडर आई पे, जो लाइन जहाँ पे मतलब करते हैं वहीं पे मैं बेकिंग करने वाली हूँ। एंड नेक्स्ट मैं सेम डार्क कलर जो ब्राउन शेड है उसको मैं अपने लोअर लैश लाइन पर अप्लाई करूँगी एंड लाइट ब्राउन शेड के साथ मैं स्मज कर लूँगी एंड सारे जो एक्सेस पाउडर है उसे मैं ऐसे रिमूव कर रही हूँ एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टेकवेयर की का ये काजल लिया है, इसके हेल्प से मैं अपने लोअर लाइन मतलब लोअर वाटर लाइन को अच्छे से टाइट लाइन कर लूँगी। यस, काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का ये ब्राउन कॉन्टोर पैलेट लिया है, इसमें से ये कॉन्टोर शेड लेके मैं अपने हॉलोज ऑफ चीक्स पे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा वाला कॉन्टोर शेड है, अच्छे से आपके फेस को एकदम स्लिम बनाने में हेल्प कर देता है, तो मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। यस, जैसे जहाँ पे अप्लाई होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये स्विस ब्यूटी का ब्लश पैलेट लिया है, इसमें से ये दो कलर शेड मैंने दो पिक किया है, मतलब एक पिंक एंड एक कोरल कलर शेड, दोनों को मिक्सअप करके मैंने एज अ ब्लश अप्लाई किया है, थोड़ा सा नोज़ पे भी अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ये मास्टर क्रोम हाइलाइटर लिया है फ्रॉम मेबलिन, तो इसे भी अपने हाइस्ट पॉइंट पे अप्लाई कर रही हूँ। यस, एज यू कैन सी, तो इससे काफ़ी अच्छा ग्लो आता है यार, बहुत ही अच्छा वाला ग्लो आता है, इसमें कोई चंकी ग्लिटर्स नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छे से आपके फेस को मतलब हाईलाइट करने में हेल्प करता है। तो मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है, इसके बाद मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कुछ भी हार्श ना लगे। यस, एज यू कैन सी कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैंने अपने ब्रा बोन एंड इनर कॉर्नर को मैं हाईलाइट करूँगी सेम हाईलाइटर के हेल्प से। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे ये मेबलिन का लेस इंसेंशनल मस्कारा लिया है, इसका मैं दो कोट अप्लाई करूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे फॉल्स आई लैशेस अप्लाई करूँगी, ये वाटरप्रूफ है, काफ़ी अच्छा है ब्राइडल के लिए, ठीक है, तो मैं अच्छे से अप्लाई करूँगी। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ये गुड वाइब्स का लिप बम लिया है। यस, तो मैंने फेक लैसेस भी अप्लाई कर लिया है अच्छे से। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टेकवेयर की का ये मिनी लिपस्टिक लिया है और मेरा शेड है टू हॉट इन डेड नाइट, माय फेवरेट शेड, एंड मुझे बहुत ही पसंद है ये वाला शेड, तो इस शेड को मैं अप्लाई करूँगी अपने लिप पर, आप देख सकते हो। तो थोड़ा सा टाइम लेते हुए लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ मैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे मेकअप को फिक्स करने के लिए ये फेसेस कनाडा का मेकअप फिक्सर यूज़ किया है। यस, दिस इज़ माई फाइनल एब्सोल्यूट कम्प्लीट लुक। यस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, मतलब पसंद आया होगा, ऑफकोर्स पसंद आया होगा, इतना अच्छा लुक क्रिएट किया है भाई, पसंद तो आनी ही है। तो पसंद आएगा तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि ये लुक आप लोगों को कैसा लगा है, ठीक है, और आगे आप कौन सा लुक देखना चाहते हो वो भी मैं आप लोगों के लिए क्रिएट करूँगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी वीडियो पे, तब तक के लिए अच्छे रहना, खुश रहना, और हाँ
चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, रेड कलर के बटन को प्रेस करके, साथ में छोटा सा बेल आइकन भी होगा उसे भी हिट कर देना ताकि आपके लिए आने वाले हर वीडियो के लिए अपडेटेड रहो। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।